अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं बिलाल शेख यूट्यूब चैनल। आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज की ब्रेकिंग न्यूज का शायद आपको पता है या अभी तक नहीं पता, कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा। तो टिकटॉक पाकिस्तान में बैन हो चुकी है और आप सोच रहे होंगे यार मुझे क्यों खुशी है। वो मुझे इसलिए खुशी है क्योंकि मैंने आज से 3-4 दिन पहले ना मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी अपने टिकटॉक पे कि मैं टिकटॉक छोड़ रहा हूँ। वजह लोगों ने पूछी थी, वजह ये थी कि यार मतलब अब हम लोगों जैसे लोग हैं जो वीडियो बनाने की कदर नहीं रही, जो चबले मारता है, जो बेहयाई पिलाता है, जो किसी की माँ बहन बेटी को गाली निकालता है सिर्फ उसकी वीडियो वायरल होती है, वो आगे लीड लेता है और जो अच्छी वीडियो बनाती है वो डाउन हो जाता है बंदा। तो इसी वजह से मैंने भी कहा था कि मैं टिकटॉक छोड़ रहा हूं। तो बहुत से कमेंट आए दोस्तों के, इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाई थी, उधर भी काफी दोस्तों ने कमेंट किया कि यार नहीं छोड़नी। तो इसी सिलसिले मैंने मतलब उसके साथ ही वीडियोस कुछ अपलोड कर दी अपनी और भी। तो मैंने कहा चले यार हाँ वाला काम जारी रखते हैं, जो बुरा है वो तो है ही बुरा। तो आज ब्रेकिंग न्यूज हमें जनाब मिली है कि टिकटॉक हम वीडियो बना रहे थे अपनी रूटीन की, तो यार एक दोस्त का मोबाइल पे टिकटॉक नहीं चली। मैंने कहा जा कभी पैकेज भी लगवा लेगा, फिर मैंने चलाई मेरे भी नहीं चली, उसने मेरी मिस्टी कर दी। एक दूसरे को 2-3 की नहीं और चली। हमने कहा यार गर्व बड़ा है, मेरा दोस्त है कादिर खान प्राम जा चकी यार टिकटॉकर। उन्होंने कहा शेख साहब गड़ बड़ा है। मैं की गड़ बड़ा है? उसने मुझे एक रिकॉर्डिंग सेंड की, वो ना वो न्यूज चैनल था उसकी थी, तो उसमें जी क्लियर कर दिया गया था टिकटॉक को पाकिस्तान में पीटीए ने बैन कर दिया। उसके बाद मेरा अजीब सा हंसी निकल गई, हंसी निकली। और मेरे दोस्त साहब उनके मतलब 8-8 हजार फॉलोअर है, 5,000, 3,000, 9,000। तो कहते यार शेर तेरे 7.5 लाख फॉलोअर है और हमारे इतने कम है, तू क्यों हंस रहा है? तो मैंने ये कहा यार एक तो मैंने वीडियो अपलोड की थी सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने दोबारा शुरू की, और अब मुझे पक्का पता है कि अगर टिकटॉक पाकिस्तान में से अनबैन होगी तो पूरी एसओपी के साथ होगी, नहीं तो बैन नहीं होगी। हम तो यही चाहते हैं कि टिकटॉक बैन ही रहे, टिकटॉक ओपन ना हो, क्योंकि जितनी इसमें बेहयाई हो चुकी है या हो रही है ना, इससे अच्छा कि टिकटॉक बैन ही रहे। तो यार अब कुछ लोग हमारे बहने हमारे भाई ये भी पूछेंगे कि यार वजह क्या बनी टिकटॉक की बैन होने पाकिस्तान में। तो यार बात सीधी सी है, टिकटॉक में बेहयाई बहुत फैल चुकी थी, बहुत गंदा मवाद था, लोग बहुत आजाद कर रहे थे। आपकी फैमिली देखती है, हमारी फैमिली देखती है, सब लोगों की फैमिली टिकटॉक आजकल चलाती है। तो इसकी वजह से मतलब पीटीए ने काफी दफा मतलब टिकटॉक के जो ओनर है या जो भी है कंपनी वाले, उनको काफी दफा उन्होंने कहा था कि यार आप इस तरह गुस्ताखाना मवाद जो है उसे हटाएं, या जो बैड वीडियोस बना रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लें, उनका अकाउंट खत्म करें। अगर आप किसी का अकाउंट खत्म करेंगे तो दूसरी दफा वो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन टिकटॉक के वो सर्वे जून भी नहीं होगी। तो इन्होंने देखा है महीना दो ही उस टाइम की चाहिए जब पबजी थी, तो टिकटॉक वालों के सारे पे जूम ही नहीं लूंगी। और आप पीटीए ने जुमे की नमाज की अदायगी के बाद सलाम फेर दिया टिकटॉक का भी, और बिल्कुल ना उसके बंद कर दिया। ये भी कंफर्म मतलब बंद नहीं है, उनके आपस में मामला तय हो रहे हैं, मतलब अगर मामला तय होते हैं तो वो मामला भी ऐसे तय होंगे कि यार मुख्तलिफ रूल बनाए जाएंगे, ऐसी वीडियो अपलोड होंगे क्योंकि फैमिली देखती है, फैमिली के हिसाब से वीडियो अपलोड होनी चाहिए। और ये इंतहाई कुछ किस्म के घटिया टिकटॉकर गाने फिला रहे थे, सिर्फ मुंह से बकवास कर सकते हैं और कुछ भी नहीं इनको करना आता, सही है टैलेंट इनमें मतलब सर के पास भी नहीं गुजरा। और नदीम नानी वाला तो एक नंबर का बहरा था दुनिया जहान का। अगर आपने ये देखना है मतलब कैसे वो है बंदा, उसके बारे में थोड़ा जानना है तो जरा गपशप चैनल है हमारे मतलब टिकटॉक का स्टार है कमल आफ्ताब का, तो गपशप चैनल भालू रैपर है मोटर से जो उसके साथ होता है, क्या उसका नाम है, फुल्लू के साथ दुबई में। अब उसका जरा जरा व्यू देखे जाके उसकी वीडियो देखे, तो उसमें उसने खुद नदीम की रिकॉर्डिंग चलाई है, जितनी बेहयाई उसने फैलाई है टिकटॉक पे उसकी वजह से फैली है। इमोशनली ब्लैकमेल करता है लोगों को, ये फतवे जात चलाता है, जान के कोई आईफोन नहीं था, कोई कुछ भी नहीं करता, सारा कुछ फारग है बिल्कुल। आप गपशप में जाके भालू रैपर का जरा सुनिएगा। तो बाकी हम तो यही चाहते हैं बैन अगर चलनी है तो पूरे तरीके के साथ चले, कोई भी अजाई ना हो, क्योंकि आपकी माँ बहन हमारी बाई माँ सबने देखनी होती है वीडियोस। तो हम तो यही कहेंगे कि यार अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर चले तो, अगर इसमें बेहजाई ना हो तो, अदरवाइज अगर ऐसे ही फिर गान फैलना है तो इससे अच्छा है कि टिकटॉक बैन हो जाए। और जो ऐसा जो भी ऐसा है जैसे बीगो है, बीगो को बंद होना चाहिए, वो बंद नहीं हो रही, जितनी गंदगी बेहयाई बीगो पे है इतनी कहीं भी नहीं है। तो बस हुकूमत से अपील है हमारी कि बीगो को भी जरा चेक करें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें उम्मीद है
कि अगर टिकटॉक वापस आती है तो एक नई तरीके के साथ आएगी, एक नई मतलब जज्बे के साथ आएगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। बाकी जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर टिकटॉक बनाते हैं तो परेशान होने, परेशान होने की कोई बात भी नहीं है। कि टिकटॉक तुम रुपये दें दिए ऐ, जरा कमेंट ही जरूर दसा टिकटॉक आज तक तुम कितने पैसे देते हैं। कोई किसी ने टिकटॉक कोई पैसे नहीं दे रही, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। जो फेम मिलता है उसके पीछे आवाम खुद आपका अप्रोच करती है, खुद आप स्टोरियां लगवाती है, खुद आपको पैसे देती है। टिकटॉक आपको कुछ भी नहीं देती, स्पेशल छोटे यूजर को तो देती रुपया भी नहीं है ना, अपने पैग ही लगाने पड़ते हैं, कुछ भी फायदा नहीं है। सही है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जिस तरह बेहतर होगा वैसे होगा। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं या मेरे चैनल पहली दफा देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो जरूर बताइएगा कि बिलाल भाई आपने ये गलत बात की, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर अच्छी लगे तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। भाई को सपोर्ट करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।